नमस्कार, ओम शांति। दशहरे पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर पीस न्यूज की खबरों के साथ। मैं हूं आचल। पेश है बुलेटिन की मुख्य खबरें। हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है दशहरा का पर्व। बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, आंतरिक बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान। हैदराबाद के हिमायत नगर सेवा केंद्र की दूसरी सालगिरह, एथिकल री इंजीनियरिंग पर संगोष्ठी, उप मुख्यमंत्री समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने की शिरकत। अहमदाबाद में जीवन में योग के प्रभावन पर 6 दिवसीय कार्यक्रम। जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने कहा, राज्यों से विकसित होंगे जीवन के मूल्य। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन का भी आयोजन। विजयनगरम के सालूरू में रथ जागृति यात्रा का आयोजन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी किसान सशक्तिकरण अभियान का समापन। देश के कई हिस्सों में जारी है अभियान। गुजरात के नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में विश्व खाद्य दिवस पर कार्यक्रम। भोजन से मन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा। नई दिल्ली में IAMA के 42वें नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन का आयोजन। ब्रह्म कुमारी इसके IT प्रभाग के सदस्यों समेत कई कंपनियों के CEO तथा MD हुए शामिल। इंदौर के गांधी हॉल में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन जयंती पर कार्यक्रम। दैनिक भास्कर के चेयरमैन समेत ब्रह्म कुमारी ने की शिरकत। आध्यात्मिकता को अपनाने पर चर्चा। देश के कई हिस्सों में नवरात्रि का मनाया त्योहार। अतिथियों ने चैतन्य देवियों को बताया नारी शक्ति की मिसाल। और शिकागो के विश्व धर्म संसद में ब्रह्म कुमारी संस्थान का प्रतिनिधित्व माउंट आबू की बीके बिन्नी तथा लॉस एंजलिस की बीके चंद्रू ने दिया ईश्वरीय संदेश। अब खबरें विस्तार से। बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वास्तव में रावण अर्थात 5 बुराई, स्त्री और 5 विकार पुरुष का प्रतीक है। ऐसा माना गया है कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था, जिसके यादगार में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। ऐसे ही आज जरूरत है कि मनुष्य अपने अंदर छिपे 5 बुराइयों को मारने का प्रयास करे। देश भर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रावण के बड़े बड़े पुतले जलाकर खुशियाँ मनाई जा रही है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी, जिसके लिए रावण का दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दशहरे पर हम सभी लोग मिलकर बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लें, तभी यह सच्चा सच्चा दशहरा होगा। कैमरामैन पीके श्याम के साथ बीके कोमल, पीस ऑफ माइंड चैनल, आबू रोड। लोगों का कहना है कि ये पर्व सार्थक तभी होगा जब हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे तथा परमात्मा राम के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे। हैदराबाद के हिमायत नगर सेवा केंद्र तथा वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग द्वारा एथिकल री इंजीनियरिंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नामपल्ली के सिटी कन्वेंशन सेंटर में मेडिटेशन फॉर डिल्यूटिंग स्ट्रेस विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री मोहम्मद महमूद अली, पूर्व केंद्रीय मंत्री कावूरी सांबा शिवाराव, MLC सुधाकर रेड्डी, नेशनल अकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के निदेशक डी रामा राव, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के चेयरपर्सन डॉक्टर आई सत्यनारायण राजू, ब्रह्म कुमारीज के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मोहन सिंगल, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके गिरीश, सिकंदराबाद से वेस्ट मेरेडपल्ली सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि समेत शहर के विशिष्ट पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। नगर के पीस हाउस सेंटर की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने संस्था की सराहना करते हुए कहा कि समाज बदलाव के लिए हमें ऐसी संस्थाओं की ही जरूरत है जो अपना विशेष योगदान राष्ट्र उत्थान में दे रही है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री राव ने भी माउंट आबू प्रवास के दौरान हुए अनुभवों को सबके साथ साझा किया। और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ ब्रह्म कुमारी के तमाम महिलाओं को और इनके ऑर्गेनाइजेशन को कि इन लोगों ने जो सेवा कर रहे हैं, शायद कोई भी संस्था इस तरह का सेवा नहीं कर रही। हमारी गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट आपके साथ रहेगी, आपके हर प्रोग्राम के लिए मैं भी हाजिर रहूंगा और हमारी हुकूमत से जो भी किस्म की आपको सहूलत की जरूरत है हमेशा हम मैसर करेंगे। आई वेंट टू ब्रह्म कुमारी द माउंट अबू, व्हाट अमाउंट ऑफ सर्विस सैक्रिफाइस, इफ आई हैव टू गिव अ कॉफी टू समबडी आई कॉल माय सर्वेंट, आई फील इगोइस्टिक टू गिव इट टू मायसेल्फ, बट व्हेन आई सॉ देयर दे have served food to us,
They made coffee to us. They give everything. They wash the room. And absolutely no feeling except friendliness, except service. इस अवसर पर उपस्थित प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बी के मोहन सिंगल ने कहा कि अपने जीवन में नैतिकता को प्रमुखता से स्थान देने से ही हम पुनः श्रेष्ठ समाज की संरचना कर सकेंगे। Once our life gets re-engineered, then automatically all other parts will be illuminated. कार्यक्रम में बीके गिरीश ने वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे तनावों से मुक्त होने के लिए राज्यों को आवश्यक बताया, साथ ही खुश व शांत रहने के गुण सिखाए। वहीं बीके अंजलि ने संस्था का परिचय देते हुए सभी को आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। The quality of your meditation depends on how you have lived 23 hours. आपका एक घंटे का ध्यान से मेडिटेशन करने का आधार है 23 घंटा कितना ध्यान से जीवन जियो। वही कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। अहमदाबाद के एएमए द्वारा 6 दिवसीय जीवन के पढ़ाव में राज्यों का अभ्यास विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एएमए वीक एम्पावरिंग द माइंड बॉडी एंड स्पिरिट के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बी के शिवानी को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बी के शिवानी ने कहा कि राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और राजयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आत्मा तथा परमात्मा की पहचान होना आवश्यक है। मेडिसिन खाते हुए जनरली हम अजीब अजीब सी थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, क्या है रोज दवाई खाने पड़ती है। थॉट शरीर के ऊपर इफेक्ट कर रही है, थॉट का इफेक्ट दवाई के इफेक्ट से ज्यादा है। अगर हमें दवाई का पूरा इफेक्ट चाहिए, प्यार से उसका भी शुक्रिया करके, वाह ये दवाई बनी है जो मेरी बीमारी ठीक कर सकती है, सारा खेल तो थॉट्स का। कार्यक्रम में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख मुकेश एम पटेल समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने संस्थान के सदस्यों की जमकर सराहना की और राज्यों को सर्वश्रेष्ठ योग बताया। And go to shape the lives of human beings, go to inspire them, motivate them for loftier ideas and causes. ऐसे ही अहमदाबाद के टाउन हॉल में रोटरी क्लब के सदस्यों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीके शिवानी, रोटरी क्लब के प्रमुख अल्केश, पूर्व प्रमुख हर्ष, रोटेरियन संदेश मुद्रा, सुख शांति भवन के वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके नंदिनी समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके शिवानी ने कहा कि जीवन में दुआएं ही सुख शांति का आधार है। वही संदेश मुद्रा ने संस्था का परिचय भी दिया। चार सामान ज्यादा आ गए लेकिन खुशी और सेहत नहीं आई तो वो सारे सामान का हम करेंगे क्या हुआ? आज हमारे घर में सब कुछ है लेकिन हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, अब हम करेंगे क्या? सो वी नीड टू चेक हाउ इज द मनी अर्नड। इससे अच्छा धन थोड़ा कम है लेकिन दुआएं साथ में लेकर आए। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम सेवा केंद्र द्वारा सालोरू में किसानों के लिए आयोजित रथ जागृति यात्रा का समापन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक राजना डौरा, नगरा अध्यक्ष जी विजया कुमारी, पूर्व विधायक आरपी बोंगदेव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विक्रम सुदर्शन राव, ADOP सुधा रानी, AOP अनुराधा, जूट मिल के MD एम वेंकटेश्वरा राव, सब इंस्पेक्टर एम भास्कर राव, विजयनगरम सेवा केंद्र प्रभारी बी के अन्नपूर्णा ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि किसानों को लगातार कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों द्वारा परमात्मा से सर्व संबंध जोड़े तथा मन को सशक्त बनाए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने राज्यों का प्रयोग कर हर क्षेत्र में जीवन को तनाव मुक्त बनाने तथा श्रेष्ठ कर्म द्वारा सभी को सुख देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा लोगों के मन में उमंग उत्साह का संचार किया गया। कार्यक्रम में कृषि व शासकीय अधिकारी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वही कार्यक्रम से पूर्व भव्य रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोगों ने सहभागिता की और ईश्वर संदेश दिया।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली विद्यानगर में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित किसान सशक्तिकरण अभियान का समापन समारोह मनाया गया। इस अभियान में विधायक रामलालू वैश्य, नगर निगम के अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जेलर श्रीकांत त्रिपाठी, कृष्णशिला प्रोजेक्ट के DGM AK झा, भोपाल जोन की प्रभारी BK अवदेश, IT प्रभाग की सह संयोजिका BK सविता, महोबा सेवा केंद्र प्रभारी BK सुधा, सागर से राज्य शिक्षिका BK नीलू, होशंगाबाद से राज्य शिक्षिका BK सुनीता, सिंगरौली सेवा केंद्र प्रभारी BK शोभा समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने इस अभियान की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही जैविक खाद का प्रयोग करने की भी सलाह दी। के लिए मैं तो आप सबको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ग्राम ग्राम विकास के लिए जो है संकल्प लेकर यात्रा शुरू की है, यह सफल हो। कर्नाटक बेलगाम के जामखंडी सेवा केंद्र पर किसान सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभु देवारो, शंकर जंगनावर, सोमनाथ गौड़ा पाटिल, डॉक्टर RB वैली, डॉक्टर SH गोटियाल, डॉक्टर SG अस्की, BK अंबिका समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए किसानों को सशक्त बनाने की बात कही। साथ ही संस्था के सदस्यों ने किसानों को जैविक खाद का उपयोग कर शाश्वत योगी खेती करने की सलाह दी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद सेवा केंद्र पर किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैम्बली और बेगदा गांव के किसानों को बीज वितरित किया गया, जिसमें बेगदा के सरपंच डोंडा भाई शीरसागर, उप सरपंच सुरेखा, सेवा केंद्र प्रभारी BK सुरेखा समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने किसानों को बीज वितरित कर शाश्वत योगी खेती करने की सलाह दी। गुजरात के नवसारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फूड डे के उपलक्ष्य में इफेक्ट्स ऑफ फूड ऑन माइंड एंड बॉडी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमार इसको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉक्टर अरविंद टंडेल, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेजिग्नेटेड ऑफिसर MG मेहता, नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता, कॉलेज के प्रिंसिपल PR पांडे, फॉरेस्ट्री कॉलेज के प्रिंसिपल BK श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित MG मेहता ने सभी को उपभोक्ता के अधिकारों व कायदे कानून के बारे में जानकारी दी तथा खाद्य सामग्री खरीदने से पहले क्या क्या जांच करनी चाहिए उस पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर BK गीता ने भोजन बनाते समय स्वयं के मन को शांत और प्रेम पूर्वक रहकर बनाए रखने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज के अन्य भोजन संबंधित स्पर्धाओं के विजेताओं को भी इनाम वितरित किए गए। नई दिल्ली में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 42वें नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्था ने भी सहभागिता की, जिसमें IT प्रभाग के सदस्य BK सविता, BK वेदात्री समेत TCS लिमिटेड के उपाध्यक्ष तन्मय चक्रवर्ती, फ्यूचर ब्रांड्स लिमिटेड के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष देसाई, भारत सरकार IT विभाग के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर VSR कृष्ण नैया समेत कई कंपनीज के CEO MDs मौजूद रहे। कार्यक्रम में BK बहनों ने उपस्थित सभी विशिष्ट लोगों को परमात्मा का संदेश दिया। साथ ही ब्रह्म कुमारी संस्था के सभी विभागों और देश विदेश में चल रही सेवाओं की भी जानकारी दी। इंदौर के गांधी हॉल में ब्रह्म कुमारी के छावनी सेवा केंद्र तथा अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज सम्मेलन और महालक्ष्मी एवं महाराजा अग्रसेन की मनोरम झांकी का उद्घाटन बिंदल कोल ग्रुप के निदेशक विष्णु बिंदल, दैनिक भास्कर ग्रुप के अध्यक्ष रमेश चंद्र अग्रवाल, पूर्व पार्षद अरविंद बागड़ी, सेवा केंद्र प्रभारी BK सुमित्रा समेत अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर झांकी का अवलोकन करने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, साथ ही ईश्वरीय ज्ञान से भी अवगत हुए। हरियाणा के सिरसा सेंट जेवियर स्कूल में इंटर रिलीजियस डायलॉग तथा मैनेजमेंट डे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों समेत ब्रह्मा कुमारी को भी विशेष तौर से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी के शांति सरोवर की राज्य शिक्षिका BK वनिता,
मौलाना मोहम्मद सुलेमान, सिख धर्म के डॉक्टर शेर सिंह, हिंदू धर्म के दुर्गा प्रसाद, स्कूल के प्राचार्य फादर जोन एम फर्नांडिस एवं अन्य प्रतिष्ठित महा अनुभवों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर हर धर्म की मुख्य शिक्षा और मानवीय मूल्य प्रेम के बारे में बताते हुए बीके विनीता ने उपस्थित सभी बच्चों को कहा कि हमें अपने भीतर निस्वार्थ प्रेम का गुण विकसित करना चाहिए, जिसकी शुरुआत स्वयं को प्यार करके करें। इसके साथ ही परमात्मा प्यार को भी अनुभूति करने की बात कही। अध्यात्म हमें सिखाता है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जो पढ़ाई पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और जब हमारे अंदर कंसंट्रेशन आ जाती है तो हर कार्य जो है वो हम सहज कर लेते हैं। और दूसरा जो है, अध्यात्म हमें भगवान के साथ जोड़ता है, जो हमें ये शिक्षा देता है भगवान मेरे साथ है। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर साइंस ऑन मेमोरी एंड कंसंट्रेशन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, ट्री हाउस हाई स्कूल के जेपी जोशी, गुजरात पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य बीना बेन प्रसाद, बिल्डर मनोज पटेल और मनीष गांधी ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि उपवास हमें बुराइयों का करना चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। वहीं बीके ईवी स्वामीनाथन ने कहा कि सकारात्मक सोच से ही हमारा विकास हो सकता है, क्योंकि यही हमारे कर्मों को अच्छा बनाने में सक्षम है। ऐसे ही कार्यक्रम वडोदरा के ट्री हाउस स्कूल, नालंदा इंटरनेशनल स्कूल समेत कई स्कूलों में किया गया। इस अवसर पर बीके ईवी स्वामीनाथन ने उपस्थित बच्चों को एकाग्रता, पॉजिटिव थिंकिंग, मेमोरी बढ़ाने के गुर सिखाए। इसके साथ ही बीके अरुणा ने संस्था का परिचय से सभी को अवगत कराया। महाराष्ट्र ठाणे के लाइट हाउस सेवा केंद्र ने राज्यों द्वारा समाज विकास आध्यात्मिक अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। रथ पर सजी शिवलिंग की सुंदर प्रतिमा का उद्घाटन जगतगुरु स्वामी श्री विदे महाराज, महापौर संजय मौर्य, अयप्पा टेम्पल ट्रस्ट के सेक्रेटरी के बालन, शिवाई नगर से श्री स्वामी समर्थ मठ के संचालक विश्वनाथ वाडे, पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, मुलुंद सेवा केंद्र की वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके रेखा, बीके स्मिता, चेकनाका सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला और राज्य शिक्षिका बीके सारिका ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने इस अभियान के प्रति अपनी शुभ भावना व्यक्त करते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही आध्यात्मिकता को जीवन का आधार बताते हुए चरित्र का सुंदर निर्माण करने की बात कही। अध्यात्म का सबसे प्रमुख स्वरूप जो है वो मानव का चरित्र है। अभी तो ये संसार जो कि एक छोटे से पौधे के रूप में स्थापित की गई थी, आज वट वृक्ष बन चुकी है। और आप सब जानते हैं इसका प्रमुख उद्देश्य है शांति। इस अवसर पर पूरे शहर में रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सुंदर शिवलिंग की प्रतिमा के द्वारा हजारों लोगों तक परमात्मा अवतरण का संदेश दिया गया। मेघालय शिलोंग के स्टेट बैंक के ट्रेनिंग सेंटर में राज्यों द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर धावल सूद और सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने तनाव मुक्त रहने के लिए राज्यों मेडिटेशन को अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में ब्रांच मैनेजर, जनरल मैनेजर समेत बैंक के कई विशिष्ट अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं आर्मी स्कूल में भी राज्यों मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बीके नीलम और बीके डॉक्टर धावल सूद ने राज्यों करने की विधि सिखाई, साथ ही नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करने पर जोर दिया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य नमिता गोस्वामी ठाकुर ने संस्था का धन्यवाद करते हुए ऐसे कार्यक्रमों को आगे कराते रहने के लिए आग्रह किया। वडोदरा के जोनल इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर में संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा तनाव प्रबंधन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके स्वामीनाथन ने तनाव से मुक्ति पाने तथा यातायात के समय एकाग्र स्थिति व नींद पर नियंत्रण रखने की विधि सिखाई। इस अवसर पर कोटा, मुंबई, अहमदाबाद और वडोदरा के वेस्टर्न रेलवे के लोको पायलट और लोको इंस्पेक्टर मौजूद थे। इस अवसर पर सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ए सुंदरेश्वरन, वडोदरा के अलकापुरी सेवा केंद्र से बीके नरेंद्र ने तनाव प्रबंधन और यात्रा के समय ध्यान देने की बात कही। मध्य प्रदेश के शाजापुर के रक्षित केंद्र में पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा तनाव नियंत्रण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिभा, राज्य शिक्षिका बीके चंदा ने मुख्य रूप से सहभागिता की।
कार्यक्रम में बीके भगवान ने सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए प्रतिदिन ईश्वरीय साहित्य पढ़ने पर जोर दिया। साथ ही एसपी अनिल शर्मा और एएसपी महेंद्र तारनेकर ने संस्था के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। आप लोगों ने हम पुलिस अधिकारियों को तनाव मुक्त रहने के संबंध में टिप्स दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कई स्कूलों में मूल्य शिक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के बारे में बताया गया। इसके साथ ही जीवन में सहनशीलता, नम्रता, सहयोग की भावना जैसे कई गुणों को धारण करने पर जोर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। इन कार्यक्रमों से खुश होकर स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों ने संस्था के सदस्यों का आभार व्यक्त किया, साथ ही उनकी बातों को जीवन में अमल करने का बच्चों से संकल्प कराया। इंदौर के गांधीनगर सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय संगीतमय राज्य शिविर का आयोजन किया गया। गीतों भरी शाम परमात्मा शिव के नाम विषय पर आधारित इस शिविर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बीडी राठी, अरविंदो डेंटल कॉलेज के प्राचार्य कांतेश्वरी, ग्राम विकास के निदेशक पांडे, पार्षद भगवान सिंह चौहान, पीतमपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुभांगी, महाराष्ट्र के विदर्भ के गायक बीके अविनाश समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर गायक बीके अविनाश ने गीतों के माध्यम से पूरा वातावरण अध्यात्ममय बना दिया। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जीवन को मूल्यवान और चरित्रवान बनाने का संकल्प लिया तथा कैंडल लाइट के जरिए आत्म शांति की अनुभूति की। गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र पर विशिष्ट लोगों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर हंसाबेन मोदी, गुजरात में क्राइम ब्रांच की आईपीएस मीरा वर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, ऊर्जा नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजन मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर बीके कैलाश ने कहा कि परमात्मा की सत्य पहचान से ही जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। साथ ही अन्य अतिथियों ने कहा कि सेवा केंद्र पर आने से मन को सुकून व शांति की अनुभूति होती है। हमको यहाँ आके लगता है कि हम अपने घर में हैं। यहाँ आने से बहुत सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है और ये ममता की मूर्त जो सब दीदिया है उसको देख के हम सब टेंशन भूल जाते हैं। कुछ हम किसी को दे सकते हैं तो वो है सेवा, वो किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है कि किसी व्यक्ति को खुशियाँ देना, उसके तनाव को दूर करना, जो कि ब्रह्मा कुमारी वाले कर रहे हैं। आबू रोड शांतिवन में युवा प्रभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभाग के वरिष्ठ कमेटी सदस्य बीके गीता और बीके हरीश, नाडियाड से विपिन पटेल ने साल भर में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की। इस अवसर पर प्रभाग के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। अब कुछ खबरें देश भर में आयोजित हुए नवरात्रि पर्व की। छत्तीसगढ़ दुर्ग के केलाबाड़ी सेवा केंद्र पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त एस के सुंदरानी, लॉयंस क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने की कला सीखी जा सकती है। इस दौरान लोगों ने चैतन्य देवियों के दर्शन किए और नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत हुए। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता समेत कई सदस्य उपस्थित थे। नवरात्रि के दूसरे दिन सेवा केंद्र पर दुर्ग के सांसद तमरा ध्वज साहू, पार्षद ऋषभ जैन, नर्व दुर्गोत्सव समिति के सचिव प्रहलाद रुंगटा, सिंधी समाज के अध्यक्ष हसमत तेजवानी समेत कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत की और दीप जलाकर झांकी का उद्घाटन किया। साथ ही बीके रीता ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। तमिलनाडु के मदुरई सेवा केंद्र पर नवरात्रि गोलू उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन DRM सुनील कुमार गर्ग, रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर गीता देवी, कीर्ति हॉस्पिटल से डॉक्टर अकीला, मदुरई सब जोन की निदेशिका बीके मीनाक्षी और बीके सेंता मरई समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत सांस्कृतिक नृत्य द्वारा किया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में 108 शिवलिंग दर्शन, स्वर्णिम नई सतयुग की दुनिया की सुंदर झांकी आकर्षण का केंद्र बनी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को इनके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया, जिसमें बीके मीनाक्षी ने राजयोग द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात कही। बिहार के मधेपुरा सेवा केंद्र द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ व्यापारी एवं समाज सेवी दिनेश सराफ, गायत्री शक्ति पीठ से चैतन्य वर्मा, सगरमाथा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरे कृष्ण प्रसाद सिंह, पूर्व प्रमुख विनय वर्धन खोका यादव, वरिष्ठ समाज सेवी मधुसूदन लाल देव, डॉक्टर अनिल कुमार,
नेपाल के राज विदात सेवा केंद्र के वरिष्ठ सहायक शिक्षक बी के दीपक, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के रंजू, बी के किशोर, सेवा केंद्र प्रभारी बी के माला, बी के बबीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनों ने लोगों को नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराया। वहीं अन्य अतिथियों ने राज्यों को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान चैतन्य दुर्गा की सुंदर झांकी सजाई गई और नगर में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। रायपुर के शांति सरोवर में नवरात्रि के पावन पर्व पर राज्योग साधना द्वारा मन की एकाग्रता और शारीरिक स्थिरता का अद्भुत प्रदर्शन सुंदर चैतन्य देवियों की झांकी में दिखाया गया। इस उपलक्ष्य में सैकड़ों लोगों ने झांकियों का अवलोकन किया, जहां सभी को आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान, जिसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान और सृष्टि चक्र की जानकारी दी गई। गुजरात के दीव सेवा केंद्र द्वारा घोगला में चैतन्य देवियों की सुंदर झांकियां सजाई गई, जिसका उद्घाटन शिक्षा एवं कला विभाग के अध्यक्ष भावेश चौहान, इलेक्ट्रिक इंजीनियर जिग्रेश, सेवा केंद्र प्रभारी बी के गीता और आंबे मित्र मंडल के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर देवियों के द्वारा झांकी का आध्यात्मिक रहस्य बताकर लोगों को राज्यों के नियमित अभ्यास द्वारा मन को शांत व बुद्धि को स्थिर बनाने का आह्वान किया गया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। लॉस एंजलिस में यूटा सॉल्ट लेक सिटी के कन्वेंशन सेंटर में 2015 पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस के अंतर्गत सम्मेलन का आयोजन किया गया। रिक्लेमिंग द हर्ट ऑफ अवर ह्यूमैनिटी विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में 80 देशों से 50 अलग अलग धर्म के लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में यूटा के राज्यपाल गैरी हर्बर्ट, पार्लियामेंट बोर्ड चेयर के इमाम अब्दुल मलिक मुजाहिद, ब्रह्म कुमारी समेत शहर के कई विशिष्ट पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर माउंट आबू की बीके बिन्नी, बीके नीना, इंग्लैंड से बीके मॉरिन, त्रिनिदाद से बीके हैरी प्रसाद, बीके चंद्रो, बीके गीता, बीके एरिक समेत संस्था के कई सदस्यों ने उपस्थित सभी धर्म के लोगों को शांति और आनंद की शक्ति को बताते हुए सभी को इसके लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में लगभग 10,000 लोगों ने सहभागिता की, जहाँ लोगों को ईश्वरीय संदेश भी दिया गया। वही लॉस एंजलिस में जीवन में मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी संस्था, त्रिनिदाद और टोबैगो से अंतर धार्मिक संगठन के सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बीके हैरी प्रसाद और एडवर्ड प्राइज ने आज के समय में बढ़ रही समस्या और मुद्दों को हल करने के लिए आध्यात्मिकता को जरूरी बताया। इस अवसर पर बीके हैरी ने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी सभी के समक्ष रखी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।